अब्दुल भाई ने अपनी दुकान बेच दी है। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल भाई का जो ऑल इन जनरल स्टोर है वो उन्होंने बेच दी है। क्यों बेची है जानेंगे आज के इस वीडियो में। उसके साथ साथ दोस्तों आप सबके लिए आ गई है फिर से पांच बड़ी अपडेट, और वो पांच बड़ी अपडेट क्या है ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए बढ़ते हैं पहली अपडेट की और बात कर लेते हैं अब्दुल भाई की। तो दोस्तों जैसा कि अभी तारक मेहता सीरियल में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अब्दुल भाई ने अपनी दुकान की डील कर ली है, और साथ ही साथ वो जो ले रहा है दुकान अब्दुल भाई का, उससे अब्दुल ने 51,000 का टोकन भी ले लिया है। तो यहाँ पर ये तो फाइनल है कि अब्दुल अपनी दुकान बेचेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जेठालाल इस दुकान को बिक्री होने नहीं देगा। वो क्या करेगा, अब्दुल का दुकान खुद ही खरीद लेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम का हल निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर अब्दुल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया है। अब्दुल बोलता है कि मैं अब इस दुकान को बेच रहा हूँ, मैंने टोकन भी ले लिया है 51,000 का, और ये आखिरी साल है। इस साल मैं जन्माष्टमी मनाकर गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही मतलब बुरी न्यूज़ है तारक मेहता के फैंस के लिए। अगर अब्दुल चला जाता है तो भाई शो का मज़ा पूरा का पूरा किड़किड़ा हो जाएगा। लेकिन अब्दुल कहीं जाने वाला है नहीं, बस ये स्टोरी का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अब्दुल का भी दुकान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दुकान बिक्री हो गई नहीं, यहाँ पर गोकुलधाम वाले दुकान को बिक्री होने देंगे ही नहीं। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की और बात कर लेते हैं शैलेश टोढ़ा की। तो दोस्तों शैलेश टोढ़ा के ऊपर कल बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ गिर गया। जी हाँ दोस्तों, शैलेश टोढ़ा के कल पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जिसके अवसर पर शैलेश टोढ़ा ने अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पे अपने पिताजी के साथ एक तस्वीर को अपलोड किए। साथ ही उन्होंने काफी सैड और इमोशनल कैप्शन लिखा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शैलेश टोढ़ा ने इस पोस्ट के नीचे कैप्शन लिखा, जो भी हो आपकी परछाई हो, आज सुबह के सूरज ने जगत तो रोशन किया पर हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया। पापा ने देह त्याग दी, आंसुओं की भाषा होती तो कुछ लिख पाता। एक बार फिर से कह दीजिए ना बबलू। काफ़ी सैड मतलब कैप्शन था शैलेश टोढ़ा का। खैर उनके पिताजी थे तो सैड तो होंगे ही वो। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की ओर, बात कर लेते हैं नई दया भाभी के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है नई दया भाभी कौन बनेगी? आप भी सुनोगे तो लिटरली हैरान हो जाओगे। एक बंदे ने एक वीडियो को अपलोड किया, जो कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास वो वीडियो आया। तो आप खुद देख लो ये बंदे ने क्या कहा है, कौन नई दया भाभी बनेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन बनेगी अगली दयाबेन? नंबर एक, अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी भी दयाबेन यानी कि दिशा वकानी की तरह एक गुजराती टीवी एक्ट्रेस है। इन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया है। जब दयाबेन शो में वापस नहीं आ रही थी तब आसिफ मोदी ने इनको ही दयाबेन का किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन अमित त्रिवेदी ने मना कर दिया था क्योंकि उस समय वो दूसरी टीवी सीरियल में काम कर रही थी। क्या आप इन्हें दयाबेन के किरदार में देखना पसंद करोगे? नंबर दो, गरिमा गोयल। गरिमा गोयल हमें डायन टीवी सीरियल में नजर आ चुकी है। इन्होंने भी दयाबेन का किरदार निभाने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उस ऑडिशन में वे खड़ी उतर नहीं पाई और वो रिजेक्ट हो गई। क्या आप गरिमा गोयल को दयाबेन के किरदार में देखना पसंद करोगे? नंबर तीन, राखी विजन। राखी विजन हमें सजन रे झूठ मत बोलो और गोलमाल रिटर्न्स में नजर आ चुकी है। इन्होंने भी दयाबेन बनने का ऑडिशन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अगर दयाबेन नहीं आई तो आसिफ मोदी इन तीनों एक्ट्रेस में से जो बेस्ट होगा उसको दयाबेन का किरदार दे देंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो देखा आप लोगों ने, ये भाई साहब क्या कह रहे थे, कौन बनेगी दया भाभी। खैर हटाओ ये सब, बढ़ते अगली अपडेट की ओर, बात कर लेते हैं स्त्री 2 के जो राइटर है, क्या आपको पता है उनका बहुत ही बड़ा कनेक्शन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुनकर हैरान हो गए ना। स्त्री 2 के जो राइटर है उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 3000 एपिसोड को लिखा है, और ये मैं नहीं, ये खुद आज तक का न्यूज़ मीडिया आर्टिकल कह रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये फेक न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, भाई कमेंट करेंगे भाई ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, आज तक डॉट इन ने ये न्यूज़ को छापा है अपने वेब स्टोरी पे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 के राइटर ने तारक मेहता शो के 3000 से ज़्यादा एपिसोड लिखे हैं। लंबे समय तक वो आसित कुमार मोदी के शो से जुड़े रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना। जो इसके डायरेक्टर है स्त्री 2 के नीरेन भट्ट, उन्होंने तारक मेहता सीरियल का 3000 एपिसोड लिखा है। लिटरली मैं भी सुनकर हैरान हो गया था जब मैं ये आर्टिकल को पढ़ा था। बाकी क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले थी, पता थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की ओर, बात कर लेते हैं बिग बॉस 18 की। तो दोस्तों बिग बॉस 18 कब शुरू होगा, ये फैंस का काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट आ रहा था। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है
कि बिग बॉस 18 जो शुरू होगा वो 5 अक्टूबर से होगा। अभी तक कलर्स टीवी की तरफ से और बिग बॉस 18 के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बहुत सारे न्यूज़ मीडिया आर्टिकल में कि बिग बॉस 18 5 अक्टूबर से शुरू होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 अक्टूबर से शुरू होगा। और अगर 5 अक्टूबर से होता है तो काफ़ी बढ़िया है, फैंस को जल्दी से देखने मिलेगा बिग बॉस 18, और बिग बॉस के फैंस ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी रहते हैं बिग बॉस को देखने के लिए। खैर चलिए बढ़ते अगली अपडेट की ओर, बात कर लेते हैं मैडम सर सीज़न 2 की। तो दोस्तों यहाँ पर मैडम सर सीज़न 2 को लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, फैंस के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है और क्यूरियोसिटी है कि आखिर मैडम सर सीज़न 2 कब आएगा भाई। फैंस इतने ज़्यादा बेचैन और परेशान है। यहाँ पर बहुत सारा यूट्यूब पे फेक वीडियोस भी बन रही है कि मैडम सर सीज़न 2 अब आएगा, तब आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, अगले महीने आएगा, अगले साल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैडम सर सीज़न 2 के तरफ से यानी कि मैडम सर के जो मेकर्स है उनके तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है जिसमें कि उन्होंने बताया हो कि मैडम सर सीज़न 2 कब आ रहा है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि मैडम सर सीज़न 2 जब भी आएगा नया कास्ट के साथ आएगा, क्योंकि पुराने जितने सारे भी कास्ट थे गुलकी जोशी को छोड़कर सब अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग सीरियल में चले गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है भविका शर्मा जो कि अभी गुम है किसी के प्यार में सीरियल में काम कर रही है। तो यहाँ पर मैडम सर जब भी आएगा एक नए कास्ट के साथ आएगा, और अभी कोई भी मैडम सर सीज़न 2 का रिलीज डेट या फिर डेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो कोई भी फेक वीडियोस पे भरोसा ना करे। बाकी दोस्तों यही थी आज की कुछ तरोताज़ा न्यूज़ एंड अपडेट। ये न्यूज़ एंड अपडेट आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना, और हाँ ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।